नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, लगातार रासायनिक खेती की वजह से हमारा पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही साथ मनुष्य की सेहत पर भी इसका काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में किसान भाइयों, बहुत ज़रूरी है कि हम फिर से जैविक खेती की तरफ लौटें, जिसमें रासायनिक हानिकारक कीटनाशकों का या उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। साथ ही साथ जीवामृत खाद ये क्या होती है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और जैविक खेती आप किसान भाई कैसे अपना सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीवामृत खाद क्या होती है, इसे कैसे तैयार किया जा सकता है, और साथ ही जैविक खेती की शुरुआत किसान भाइयों को कैसे करनी चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश गुप्ता। आज हमारे यहाँ पर दतिया ज़िले में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का एक दल आया हुआ है, जो कि प्राकृतिक खेती करते भी हैं और उसमें कुछ नवीन किसान भी हैं जो प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक हैं। तो उनको यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है, उसकी क्या क्या अवयव है और कौन कौन से घटक हैं, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उससे क्या फ़ायदे क्या लाभ है क्या घाटा है, सभी इनको बताया जाएगा। तो जैसा किसान भाई आप जानते हैं, अभी जो आप खेती कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं रासायनिक खेती, रसायनों की दम पे खेती करते हैं, जिसमें आप DAP यूरिया और बहुत सारे कीटनाशक डालते हैं। ये इन सभी में रसायन होता है, ये रासायनिक खेती होती है। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की सहायता से अपने को खेती करनी है। जैसा कि आप जानते हैं जंगलों में अपने आप पेड़ पौधे होते हैं, हरे होते हैं, बढ़िया फल आते हैं उनमें, तो वो सब प्रकृति अपने आप करती है। अब आपको अपने यहाँ पर खेती जो करनी है प्राकृतिक खेती, अब प्राकृतिक खेती जो शब्द है प्रकृति के साथ मिलकर खेती करनी है। प्रकृति हमको क्या क्या देती है, मिट्टी प्राकृतिक चीज़ है, पानी प्राकृतिक चीज़ है, इन दोनों की सहायता से अपन खेती करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और प्राकृतिक है जो किसान नहीं जानता है, सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में पाए जाते हैं प्राकृतिक तौर पर, उनकी संख्या ही हमारी खेती करने के लिए मददगार साबित होती है। प्रारंभ में जब आप खेती करते थे आज से कुछ वर्षों पहले, तो आपकी मिट्टी में काफ़ी सूक्ष्म जीव थे, तो आप कम खाद में अच्छी पैदावार लेते थे। अब आप लोगों ने क्या किया, रासायनिक उर्वरक और केमिकल डाल के उन सूक्ष्म जीवों को मार दिया, उनकी संख्या कम हो गई। उनकी संख्या कम होने से अब आपको ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद और दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कि वो सूक्ष्म जीव जो आपके लिए लाभदायक है, खेती की बहुत ज़रूरी था, उनकी संख्या को आपने जहर डाल के मार दिया। अब अपने को क्या करना है, उन सूक्ष्म जीवों को वापस मिट्टी में पैदा करना है। तो प्राकृतिक खेती का मेन मकसद यही है, सूक्ष्म जीवों की खेती। आप मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाएंगे, उनकी खेती करेंगे, तो आपकी मिट्टी में सारे पोषक तत्व तो प्रकृति में अपने आप होते हैं। जैसे आप DAP यूरिया डालते हैं, आप जो DAP डालते हैं कैसे बनता है, अरे पृथ्वी पर खदानें हैं बहुत सारी, वहाँ से निकलता है, उसको प्रोसेस करके आपको कट्टों में भर के बेचा जाता है। प्रकृति में सब कुछ है, आपकी मिट्टी में भी DAP है, फास्फोरस है, पर उस चीज़ को पौधे को मिल जाए उस अवस्था में बदलना है। मतलब प्रकृति में सब कुछ है, उस चीज़ को आपके पौधे ले सके आराम से, उस अवस्था में आपको बदलना है, तो उसके लिए प्राकृतिक खेती बहुत मददगार साबित होगी। अब इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, पर आप 4-5 चीज़ मान के चलिए। सबसे पहला आप जानते हैं, हम लोग बीज बोते हैं, बीज से बीमारी आती है, तो अपन बीज उपचार जो दवाइयों से करते हैं, तो इसमें एक बीज अमृत नाम का तत्व होता है, बीज अमृत जो बीज के लिए अमृत है, बीज के लिए अमृत है, इससे अपन बीज उपचार करते हैं। और प्राकृतिक खेती जो चीज़ है, प्राकृतिक खेती तकनीक सारी की सारी एक देसी गाय पर आधारित है। देसी गाय आप लोग जानते हैं, देसी गाय का मूत्र और गोबर, आप भी जानते हैं कि देसी गाय को अपने भी उसमें धर्म में और उसमें देवता माना गया है, तो देसी गाय के गोबर और मूत्र में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। उन सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाना और वापस मिट्टी में पहुंचाना, ये प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य है। सूक्ष्म जीवों की संख्या जो हमारी मिट्टी में, अच्छी मिट्टी में है, आपके गौमूत्र में है, गोबर में है, इन सबको उनकी संख्या बढ़ा के वापस हम अपनी मिट्टी में डालेंगे, तो हमारी मिट्टी जो खराब हो चुकी है उसमें उनकी संख्या बढ़ेगी, तो आपको ऊपर से खाद और ये सब कम डालना पड़ेगा, तो आपकी कम लागत में अच्छी पैदावार होगी। देसी गाय को गोबर डालो, देसी गाय का गोबर और मूत्र। अब उसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहला बीज अमृत, ये बीज के लिए अमृत है,
इसको अपन बनाएंगे और बीज उपचार करेंगे तो आपकी बीज जनित बीमारियों का रोकथाम होगी। अब दूसरा है इसमें, उसको समझिए, दूसरा जो तत्व है इसमें वो मैंने उसको बोलते हैं जीवा अमृत। जैसा इसका नाम है जीवा अमृत, ये जीव के लिए अमृत है, वही सूक्ष्म जीव, ये उनके लिए अमृत है। इसको बना के आप मिट्टी में डालेंगे तो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और जैसे ही सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी तो आपकी मिट्टी में जो तत्व पहले से पड़े हुए हैं वो उनको घोल के पौधे को दिलाएंगे और आपकी पैदावार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तीसरा, जैसे अपन खेती में पानी का उपयोग करते हैं, कम पानी और ज़्यादा पानी दोनों ही फसल के लिए नुकसान होता है। फसल को एक निश्चित मात्रा में पानी चाहिए तो उसके लिए एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं हम लोग मल्चिंग। मल्चिंग आप सब समझते हैं, मतलब आच्छादन। आपने भी देखा होगा ऐसे कोई सूखी खेत पड़ा है आपका, मई भले मई का महीना है, खेत पड़ा है सूखा, अगर वहाँ पर कुछ पौधे के अवशेष पड़े हैं आप उसको पेड़ से हटा के देखेंगे उसमें नीचे नमी निकलेगी। भले खेत पर दरार पड़ गई पर उसके नीचे नमी निकलेगी, मतलब हाँ वो पानी को रोक के रखती है। तो मल्चिंग से क्या होता है, ऐसे पानी की अभी वर्षा की बूंदें गिरी तेज, तो वर्षा की बूंदें जैसी नीचे गिरी वो मिट्टी के कण को विस्थापित कर देगी, और फिर बारिश हुई तो वो मिट्टी के कण जो फट गए आपस में टूट गए बिखर गए वो पानी के साथ बहके चले जाएंगे। इसको बोलते हैं मृदा आच्छादन, सॉइल इरोजन। अगर आप मल्चिंग कर देंगे तो वो पानी की बूंद जो ऊपर से गिर रही है तेज फोर्स के साथ वो उस पर गिरेगी तो आपकी मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो सॉइल इरोजन बिल्कुल नहीं होगा, आपकी खेत की अच्छी मिट्टी जो बहके चली जाती है उससे बचाव होगा। दूसरा, जब पानी की कमी होगी, पानी मिट्टी से ऊपर उड़ता है, जब पानी की कमी होगी, धूप तेज पड़ रही है तो चूंकि आपने आच्छादन कर दिया है तो जो मिट्टी में नमी है वो ऊपर नहीं उड़ेगी, तो ज़्यादा पानी और कम पानी दोनों से आपको आच्छादन बचाएगा। तीसरा क्या होता है, आपने देखो खेत में खरपतवार हो जाते हैं, खरपतवार हो जाते हैं तो पानी आप लगाते हैं, तो अगर आप बताओ आपकी खेत में मिट्टी है आपने उसको कुछ ये पत्ते डाल दिए तो उसमें खरपतवार पैदा नहीं होगा, बिल्कुल पैदा नहीं होगा। अगर खेत खाली है और आपने पानी लगा दिया तो खरपतवार निकल जाएगा। तो आच्छादन यही कहता है, मिट्टी के क्षरण को रोकना, पानी को बचाना और आपके खरपतवार को कम पैदा होने देना, उससे तीन चार फायदे हैं। तो ये आच्छादन का काम करता है मल्चिंग का। चौथा, इसमें एक तत्व और है बापसा। बापसा ऐसा बोला जाता है कि खेत आपकी फसल को जितना पानी चाहिए, ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कम पानी चाहिए, ऐसी स्थिति चाहिए कि उसमें हवा भी हो मिट्टी में हो पानी भी हो, तो ऐसी स्थिति अगर आप निर्मित कर देते हैं खेत में तो आपकी फसल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये चार मेन आपके अवयव हैं जो मिट्टी को आपको बढ़ाते हैं। अभी हम आपको ये सब बताएंगे कि बीजामृत कैसे बनाते हैं, जीवामृत कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे मेन जो है वो है आपका जीवामृत। अब जीवामृत दो तरह से बनता है, एक आपका तरल रूप में बनता है उसको बोलते हैं जीवामृत, और दूसरा जो होता है वो ठोस रूप में बनता है उसको बोलते हैं घन जीवामृत। तो यहाँ पर ये सारी विधि है, हम आपको बताएंगे जीवामृत के लिए बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता है। देखिए जीवामृत में आपको बनाने के लिए आपको यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया ये देसी गाय पर आधारित है, तो देसी गाय का गोबर, देसी गाय का मूत्र। अब जैसा आप और हमको दाल रोटी खाने के लिए चाहिए तो सूक्ष्म जीवों को भी खाने के लिए दाल रोटी चाहिए। दाल का मतलब होता है प्रोटीन, तो अपन उसमें बेसन किसी भी दाल का आटा मिलाएंगे उनके भोजन के लिए, सूक्ष्म जीवों के भोजन के लिए। तो सबसे अच्छा जो आपके पास दाल हो, जो दाल आप खराब हो गई है आप यूज नहीं कर सकते, तो वो दाल का आटा चाहिए, सबसे अच्छा होता है चने की दाल का आटा, तो बेसन अपन ने लिया। दूसरा, अपन चूँकि रोटी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो वही एक चीज़ है गुड़। गुड़ में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत होती है, तो जो गुड़ आप यूज नहीं कर सकते, खराब हो गया है, जानवरों को खिलाते हैं, वैसा गुड़ अपन उपयोग करते हैं। तो ये चार चीज़ हो गई, देसी गाय का गोबर, मूत्र, बेसन और गुड़। अब कितना कितना लेना है, 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 किलो मूत्र, 1 से 2 किलो बेसन का आटा। अब ये डिपेंड करेगा, अगर बहुत अच्छा है प्योर आपने आटा लिया तो 1 किलो में काम हो जाएगा, अगर थोड़ा ख़राब है तो 1.5 किलो भी चलेगा, और 1 से 2 किलो गुड़। ये चार चीज़ हुई। 200 लीटर का ड्रम चाहिए प्लास्टिक का, ये हुआ। अब इसमें एक पांचवी चीज़ है जो सबसे मुख्य है, वो है सजीव मिट्टी। सजीव मिट्टी मैंने नाम लिया सजीव मिट्टी, ऐसा मिट्टी जिसमें जीवन है। अब वो आप कैसे पहचानोगे, वो आपको ऐसे पहचानना है, ऐसे खेत की मिट्टी लेनी है, ऐसी जगह से मिट्टी लेनी है जिसमें आपने कभी भी रासायनिक चीज़ नहीं डाली है। अभी आपको कहाँ मिलेगी,
ये आपको कोई भी पेड़ लगे हैं आपके खेत के बाहर, उसके नीचे की मिट्टी सजीव मिट्टी उसको बोलते हैं। जैसे पीपल का पेड़ लगाया या नीम का पेड़ लगाया, बरगद का पेड़ लगाया, उसके नीचे मिट्टी है, उसमें अपने आप कोई छोटे छोटे पौधे अपने आप पैदा हो रहे हैं अपने आप, मतलब तो उसमें जीवन है मिट्टी में। तो वो मिट्टी आपको लेनी है आधा से एक किलो। वो क्यों लेनी है? क्योंकि वो अच्छी मिट्टी है, उसमें आपने कोई भी केमिकल फंडा नहीं डाला, तो उसमें सूक्ष्म जीव बहुत मात्रा में। तो उन सूक्ष्म जीवों को, उस मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को लाके अपन जब ड्रम में मिलाएंगे, ड्रम में मिलाएंगे तो उनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी। आप इसको ऐसे मान लो जैसे अपन दही में जामुन लगाते हैं, दही में जामुन लगाते हैं, थोड़ा सा जामुन डालते हैं पूरा दही जम जाता है। अगर आपका जामुन खट्टा होगा तो दही भी खट्टा हो जाएगा। वही चीज़ है, जैसी मिट्टी आपकी होगी आधा से एक किलो, वैसे ही जीवाणु इसमें तेजी से बनेंगे। किसान भाइयों, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा हमने चर्चा की जैविक खेती के बारे में, ठीक इसी तरह अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है, जहां पर आप कुछ ही पशुओं की मदद से, या कहें कि एक गाय की मदद से भी पूरी प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, जिसमें आपको घर पर ही कीटनाशक मिल जाएगा, अच्छी खाद मिल जाएगी मिट्टी का उपयोग करके, और कहें कि कम से कम खर्चे में आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। इससे आप बहुत अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, इसको बनाने की विधि क्या है, इसको बनाने की विधि क्या है। 200 लीटर का ड्रम आपने जो लिया रखा हुआ है, तो उसमें आपने पानी भर लिया लगभग 150 लीटर के आसपास। फिर बेसन को घोल के डाल दिया, पानी में घोल के डाल दिया, गुड़ को घोल के मिला दिया आपने, गोबर लिया 10 किलो उसको घोल के डाल दिया, मिट्टी जो आपने ली आधा से एक किलो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, आधा किलो भी चलेगी एक किलो भी चलेगी, मिट्टी घोल के डाल दी और मूत्र डाल दिया 10 लीटर, सब आपने ड्रम में डाल दिया। ड्रम में डालने के बाद उसको आप हिला देंगे, ड्रम पूरा भर जाए पर थोड़ा सा खाली छोड़ना है अपने को, 190 लीटर के आसपास भर जाए, 200 लीटर उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। आपने ड्रम को भर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपने भर दिया है, अब जो मिट्टी में जीवाणु हैं उनमें उनकी किण्वन की क्रिया शुरू होगी। जैसे दही में जामुन लगाया थोड़ा सा, धीरे धीरे वो बैक्टीरिया पूरे दूध में फैलते हैं, पूरे दही जम जाता है, ये जीवाणु पूरे इसमें फैलेंगे जीवामृत में, ये फैलते जाएंगे। अब चूंकि ये जीवाणु है, जीवित प्राणी है, इनको भोजन चाहिए, तो अपन ने गुड़ और बेसन उनका भोजन दिया हुआ है, तो वो उसको खाएंगे, जब वो खाएंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी, उनका साइज भी बढ़ेगा। अब साइज बढ़ गया तो वजनदार हो जाएंगे, वजनदार होने से वो क्या होता है, ज़मीन में बैठ जाते हैं, ज़मीन में बैठ जाते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है, अपने को दिन में 2 बार उसको चलाना पड़ता है। देखिए जीवामृत बना हुआ रखा है, इसको अपन चलाओ, इसमें अपन दिन में इसको कम से कम दो बार चलाएंगे, और चलाने की दिशा थोड़ा समझिए, इसको अगर आप देखिए घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, तो नीचे से ऊपर भंवर बनेगा, अगर आप इसको उल्टा घुमाएंगे तो ऊपर से नीचे बनेगा। अब अपने को करना कौन सा है, ऐसे घड़ी की दिशा वाला, कि नीचे से ऊपर बने, क्यों, क्योंकि जो जीवाणु हैं वजन हो गया वो नीचे आके बैठ जाएंगे, वजन हो जाएगा नीचे बैठ जाएगा पानी में, तो अपन ऐसे घुमाएंगे एक भंवर बनेगा, पूरा अपना पानी ऊपर तक आ जाएगा, सारे जीवाणु ऊपर तक आ जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे क्रिया करते करते तैरते तैरते फिर
फिर शाम तक नीचे पहुंच जाएंगे, फिर अपन शाम को घुमाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। मतलब दिन में कम से कम दो बार घुमाना है। घुमाने के बाद आप देखेंगे 5 से 6 दिन में वो बनके तैयार हो जाता है। 5 से 6 दिन में गर्मी में तैयार हो जाता है, सर्दी में 8 दिन लगते हैं। अब बनके तैयार होगा, उसको पहचानने का तरीका, इसमें जो किण्वन की क्रिया होती है झाग से बनते हैं, वो बनना बंद हो जाएंगे। झाग बनना बंद हो गए, किण्वन की क्रिया बंद होगी, समझ लो बनके तैयार हो गया। ये आपके बनके तैयार हो गया, अब इसको आपको खेत में उपयोग करना है। उपयोग करने के 2 तरीके हैं। आप सिंचाई के जल के साथ इनको दे दो कि खेत तक पहुंच जाए। जैसे आप सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हो, आपने पाइप लगाया हुआ है खेत की मेड़ तक ला दिया, आप कोई ऐसा बर्तन कर लीजिए जिसमें नीचे टोंटी लगी हो, कोई मटका ले लीजिए, कोई ड्रम छोटा ले लो उसमें कर लीजिए, इसमें आपने जीवामृत भर दिया, वहीं पर खोल दो, वहाँ आप खोल दीजिए बूंद बूंद, तो ये गिरता जाएगा और पानी के साथ जाएगा, खेत में बैठ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप स्प्रे कर सकते हैं, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों पे। स्प्रे करेंगे आप 15-15, 20-20 दिन के अंतर पर। 200 लीटर जो बन गया है एक बार में, ये 1 एकड़ के लिए होता है, 1 एकड़ के लिए, हाँ 2.5 बीघा के लिए होता है। अगर टंकी में कितना डाला जाए, अगर आप ऐसे लगा रहे हैं तो आप उस प्रकार से कर दीजिए। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी फसल फूल से पहले वाली अवस्था पर है, फूल नहीं आए हैं उससे पहले अवस्था पर है, तो 10-15% का स्प्रे करेंगे। 10-15% 10 लीटर में 1 से 1.5 लीटर, 15 लीटर है तो 2 से 2.5 लीटर लग जाएगा। अगर फूल से बाद वाली अवस्था है तो 20-30% का, मतलब 15 लीटर में 2 से 3 लीटर, 3 लीटर आप भी मिलाएंगे, 12 लीटर पानी मिलाएंगे, घोल के स्प्रे करेंगे। हर 20-20 दिन में अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपको नीचे DAP यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपकी फसल की पैदावार आएगी। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हो सकता है पहली साल थोड़ा फसल 19 आए, पर आपकी फसल जो कम आ रही है वो चूँकि आपने खर्चा नहीं किया है तो वहाँ आपको कंपनसेट हो जाएगा, आपको मतलब नुकसान नहीं होगा। उस फसल की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, उसको आप बाज़ार में लेके जाएंगे, आपको दाम रासायनिक की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा, मतलब आपको किसी भी कीमत में घाटा नहीं है। अतः आप इसको छोटे से एरिया में, अगर आपके 4 खेत है जो आपका सबसे छोटा खेत है उसमें आप इसको करें, और थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। आपको विश्वास जीतना है, आप अपने खेत पर करेंगे, खुद करेंगे और खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। अतः आप सभी लोग छोटे छोटे एरिया में 1-2 बीघा में आप इसको अपनाएं, और कोई समस्या हो तो हम आपको अपना लिटरेचर देंगे। ये हमने सब दिया आपको, इसमें सब कुछ विधि लिखी हुई है, इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, संपर्क नंबर आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 1,078 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल बुवाई पूरी, राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन, मध्य प्रदेश में सूखे की आहट, मध्य प्रदेश के महुआ की महक यूरोप पहुंची, और फसल सुरक्षा के लिए समसामयिक सलाह। और अब खबरें विस्तार से। खरीफ फसलों की बुवाई अंतिम दौर में चल रही है। दलहन फसलों की बुवाई में सुधार देखने को मिल रहा है। शुरुआत में दलहन बुवाई में 10% से ज़्यादा गिरावट आ रही थी, अब यह घटकर 8% के करीब रह गई है। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की बुवाई में 3% से ज़्यादा इजाफा होकर 398.08 लाख हेक्टेयर में हुई है। सोयाबीन, बाजरा, मक्का के रकबा में भी वृद्धि हुई है। अरहर, मूँग, ज्वार, मूंगफली व कपास के रकबा में गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछली समान अवधि के 1,073.22 लाख हेक्टेयर से 0.45% ज़्यादा है। खरीफ सीजन की सबसे बड़ी फसल धान की बुवाई 3.73% बढ़कर 398 लाख हेक्टेयर हो गई है। गन्ने का रकबा 7.66% बढ़कर 59.91 लाख हेक्टेयर, जबकि कपास का रकबा 2.11% गिरकर 123 लाख हेक्टेयर रह गया है। इस सप्ताह तक 119.09 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुवाई हो चुकी है, जो पिछली समान अवधि की बुवाई 130.13 लाख हेक्टेयर से 8.48% कम है। बुवाई के शुरुआत में दलहन फसलों के रकबा में 10% से ज़्यादा गिरावट आ रही थी, अब यह गिरावट घटकर 8% के करीब आ गई है। अरहर का रकबा 5.76% घटकर 42.66 लाख हेक्टेयर, मूंग का रकबा 7.72% घटकर 30.98 लाख हेक्टेयर, और उड़द का रकबा 13.56% घटकर 31.68 लाख हेक्टेयर रहा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फिक्की सीआईआई और पीएचडी सीसीआई के साथ भागीदारी में किसानों के लाभ के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप की क्षमताओं को उजागर करना विषय पर एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव में सचिव मनोज आहूजा, अपर सचिव फैज अहमद किदवई, संयुक्त सचिव आशीष कुमार श्रीवास्तव और संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और फिक्की सीआईआई और पीएचडी सीआईआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत में एग्री स्टार्टअप के लिए व्यापक समर्थन देने वाली प्रणालियों पर चर्चा करना था और उनकी पहचान करना था, जिससे नवाचार, स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ावा मिलेगा और उनके समाधानों को किसानों के लिए सुलभ बनाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश का महुआ अब यूरोप के नागरिकों में एथनिक फूड के रूप में पहचान बना रहा है। यूरोप के फूड मार्केट में महुआ से बने खाद्य पदार्थ दिखने लगे हैं और पसंद भी किए जा रहे हैं। यूके की लंदन स्थित कंपनी ओ फॉरेस्ट ने महुआ के कई प्रोडक्ट बाजार में उतारे हैं। इनमें प्रमुख रूप से महुआ चाय, महुआ पाउडर, महुआ निब, भुना महुआ मुख्य रूप से पसंद किए जा रहे हैं। ओ फॉरेस्ट ने मध्य प्रदेश से 200 टन महुआ खरीदने का समझौता किया है। इससे महुआ बीनने वाले जनजातीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। महुआ जनजातीय समाज के लिए अमृत फल है। महुआ लड्डू और महुआ से बनी देसी हेरिटेज मदिरा उनके पारंपरिक व्यंजन हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में सबसे पहले महुआ और अन्य वनोपजों का समर्थन मूल्य घोषित किया था। इससे महुआ बीनने वाले जनजातीय परिवारों को बिचौलियों से मुक्ति मिल गई है, उन्हें बाजार में भी अच्छे दाम मिलने लगे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग नरसिंहपुर के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के लगातार जिले के विभिन्न विकास खंडों के अंतर्गत खरीफ में लगाए गए प्रमुख फसलों जैसे सोयाबीन, उर्द, मूंग, धान, मक्का के साथ ही गन्ने में कीट रोग हेतु सर्वेक्षण किया गया। उक्त सर्वे के आधार पर जिले के कृषकों को खरीफ फसलों के लिए फसलवार समसामयिकी सलाह प्रदान की गई, जिसे किसान भाई समय समय पर अपना कर फसल सुरक्षा कर सकते हैं। सोयाबीन फसल में आंशिक रूप से पीला मोजेक का प्रकोप देखा जा रहा है, साथ ही कहीं कहीं चारकोल रॉट भी प्रभाव पाया गया है। उड़द व मूंग में पीला विषाणु रोग के साथ ही पत्तियों पर सर कास्पोरा फफूंद का आक्रमण पाया गया है, जिससे पत्तियों पर भूरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। धान की फसल में शीत ब्लाइट के साथ ही पत्तियों पर धान के झुलसा रोग का आपतन कुछ धान की प्रजातियों में पाया गया है। धान का फुदका कीट का प्रकोप खेत में जगह जगह गोलाई में देखा जा रहा है। सोयाबीन के साथ ही उर्द मूंग के विषाणु रोग का वाहक सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए थायोमेथाग्जाम 25 WC 200 ग्राम या इमिडा क्लोरोप्रेट 17.8% 500 से 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। जहां चारकोल जड़ सड़न का प्रकोप दिखे वहां टेबू कोनोजोल प्लस सल्फर 900 से 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। उर्द मूंग में पत्ती धब्बा रोग नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। धान में फुदका नियंत्रण के लिए फिप्रोनील 40%, इमिडा क्लोरोपेट 40% की दवा 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही, साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।